बांग्लादेश के सांसद अनवारुल अजीम अनार की हत्या के सिलसिले में पश्चिम बंगाल सीआईडी लगातार एक्शन में है। सीआईडी ने बांग्लादेशी सांसद की हत्या के मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। ये वही कसाई है जिसे मुंबई से अन्य आरोपियों ने हत्या के बाद शव को काटने के लिए बुलाया था। वो हत्या से 2 महीने पहले ही मुंबई से कोलकाता आया था। सीआईडी ने बताया है कि गिरफ्तार संदिग्ध अवैध अप्रवासी है जो बांग्लादेश का ही रहने वाला है। गिरफ्तार संदिग्ध शख्स की पहचान 24 वर्षीय जिहाद हवलदार के तौर पर हुई है जो बांग्लादेश के खुलना का रहने वाला है। सांसद अनवारुल अजीम की हत्या के मास्टरमाइंड का नाम अख्तरुज्जमा है जो बांग्लादेशी मूल का अमेरिकी निवासी है। अख्तरुज्जमा ने ही 2 महीने पहले उसे मुंबई से कोलकाता बुलाया था। कसाई ने बताया है कि किस तरह से आरोपियों ने पहले बांग्लादेशी सांसद की हत्या की और फिर उनके शव के टुकड़े कर उसे कोलकाता में अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंक दिया। आरोपी कसाई ने बताया कि अख्तरुज्जमा के कहने पर उसने और 4 अन्य बांग्लादेशी नागरिकों ने मिलकर सबसे पहले सांसद अनवारुल अजीम का गला घोटकर बेरहमी से उसकी हत्या की। इस पूरे अपराध को कोलकाता के एक फ्लैट पर अंजाम दिया गया। जिहाद हवलदार ने बताया कि हत्या के बाद बांग्लादेशी सांसद के पूरे शरीर की खाल उतारी गई और सारा मांस निकाला गया। आखिर में पहचान मिटाने के लिए मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए। कसाई ने बताया कि शव के छोटे छोटे टुकड़ों को एक पॉली पैक में भरा गया और हड्डियों के भी छोटे छोटे टुकड़े किए गए। इन सबको छोटे छोटे पॉली बैग में अच्छे से पैक कर दिया गया। हत्या को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने इन बैग्स को उठाया और कभी ट्रेन तो कभी बस के जरिए सफर करते हुए कोलकाता के अलग अलग हिस्सों में ले जाकर इन्हें फेंक दिया। आरोपी कसाई को अब कोर्ट ले जाया जाएगा और फिर शरीर के हिस्सों को रिकवर किया जाएगा।